श्री राम। ओ श्री राम। काकी। ए बिटवा। यस काकी। हाँ कहाँ तैयारी आ रही? जाते ही जंगल में लकड़ी काटे बिटवा। लकड़ी काटे? हाँ बिटवा, आज बुखार बहुत जोर है। काकी तेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ आज बुखार बहुत जोर है। अरे बाप रे। हे बिटवा, जो हम लड़कियों पाए रहे हैं नदिया में, हाँ जी के नाव सूरज रखे रहे। हाँ, हाँ, हाँ। अब उसरान हो गया बिटवा। अच्छा हाँ, कहाँ गा? कहाँ गा? कतो अरे सोवत बा। सोवत बा? हाँ हम तो कहीं देश परदेश चला गया। नहीं बिटवा, का हम का 9:30 बजा था है, इतना दिन चलिए बाबा सोते यार। हे बिटवा, हम सोचे थे कि जब तक हमारे चलत पौरू का है हम ओका कमाई के खियाई। हाँ काकी, ओका कौनो कामे का लड़ाई नहीं बिटवा। बड़ी मायगर ये हाथ है। हाँ करी बिटवा, ओका सूरज के बुलावा। अच्छा वो आए जाए तो ओका हम सहेज दे एक तू झोपड़ी देखा। अच्छी बात, हम जाते हैं जंगल में लकड़ी काटे। ठीक है काकी, ठीक है। हाँ, लेकिन हम यही से बोलो भाई। हाँ बुलाओ। ओके ओके लगे जाब ना, ओके लगे जाए जमुआ के दौलत हमारी कहती। जमुआ की दौलत है? मुहना भाई के दौलत काकी। बुलाओ बिटवा। बुलाई? हाँ यही से बोला बोखे लगे ना जाम नहीं तो मुख बाइक हमका चबा लिए भैया। अरे जमुआ छोई बिटवा। काजी से मुहना बाइक का दौड़ा सबूत काकी। बुलाओ बुलाओ। ए सुरजुआ बड़ा पागल है रे। अरे जब छोटवार बच्चा रहा तो सुरजुआ सुरजुआ कह के बुलाया है, अब उसयान हो गया है सूरज भैया कहा। सूरज भैया? हाँ लगा हरा राम का सूरज भैया कहे। हाँ बिटवा ठीक है काकी। अरे सूरज भैया वो जमुआ ना है काकी। जागा है, जागा है, जागा है। जागा ना जमुआ का है। इसमें जागा है। बोला बोला इसमें वो पहुँचते हमको चबा ले। मुहना भाई की दौड़ा था काकी। तोरे माई बुलावत यहाँ भैया। खुशी रहा बिटवा, भगवान करे तुम्हारी जिंदगी और लंबी होए। देखा बिटवा झोपड़ी देखा, हम जाट बैठे जंगल में लकड़ी काटे। तो का लखत जाए कहें जाबू तू जा। अब जाट ही बिटवा। हाय मुंह पाए है वह कहाँ जाट यहाँ जाट बैठे लकड़ी काटे। अरे मायू हम मुंह पाए बा भाग गया काकी चबाई ले। बड़ा पागल है। कहो कहो कहा थी यहाँ जा यही लकड़ी काटे काकी। कहा कहा था जा तो क्या करें बैठे खाना मिले क्या है बिना के है। अरे की तबीयत खराब है काकी के, बुढ़ाई दाल दो कमाई के लाए तू बैठे बैठे खा पा भैंसे से मोटाई पा। जय दिन जियत यहाँ तय दिन कमा खियाओ नहीं तो कमा तो होवे करे। हाँ जियत यहाँ कमा खियाओ मार जाइए जाए चिंगारी चबाया तू भाई। जे का सुना है जे का बिटिया बेटवा ना खियावे जियो के रहो लड़का पैदा न करे। पागल घंटी है ने जौन तो का पैदा कर दी और तू पे लल्ली है जौन पैदा हो गया काय भैया। अरे गांव देश का कहा था का एक जेकर माई बाप बुढ़ाई जाए ओका बेटवा बेटवा का सेवा करे चाहिए और तू जवान हो यहाँ हट्टा कट्टा नौजवान नील गाहे के नहीं मोटा ना वो बुढ़ापा बेचारी इतनी तगड़े बुखार चढ़िया देखा ना। तो हम कमाल चाहिए कहो नहीं अब तू कई दिन का है। अब तू बिगाड़ा हमारे बेटवा का तो बीच में बोलबा जिन का बुढ़ान जाओ खड़ी रहा का भैया। हाँ ठीक कहा यार तुमने कि जिसके बेटी बेटा जवान हो जाए और माँ बाप मजबूरी मेहनत करके खिलाए ऐसे बेटे की जिंदगी में लाना थे। तो हर मुंह देखा पाप है पाप। ठीक है भैया बुढ़ाई दाम कमाए के लाए तो बैठे बैठे खा पे हो क्या कहा बुखार बहुत तेज है। देखा 342 डिग्री बुखार चली है। अरे बाप रे यार इतना तेज बुखार और माँ तुम जा रही लकड़ी काटने। हाँ बेटा। नहीं माँ 9 महीने तक कोख में रखा पैदा किया पालन किया जवान किया माँ अब मैं कमाकर खिलाने काबिल हो गया हूँ माँ। हर पुत्र का स्वर्ग माता पिता के चरणों में है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ माँ। कहो बे क्या कहो।
और ठीक न तबीयत मां तेरी फिर भी वो है तबीयत तुम्हारी नहीं ठीक है फिर भी जा रही हूँ लकड़ी काटने के लिए माँ। हाँ बेटा, और मजबूरी होती अगर सदा हमेशा ला खाने को अपने घर में ला। आज घरे में खाए के कुछ नहीं बा बेटुआ। क्या कहा माँ, घर में खाने कुछ नहीं है? नहीं बेटुआ। मैं तुम क्या कर रही हो बेटा? माँ और नहीं ऐसा नगमा मुझे माँ सुनाओ, नहीं ऐसा नगमा मुझे माँ सुनाओ, और मेरे हाथ में माँ कुल्हाड़ी थमाओ। माँ बेटा, मुझे लाख जिल्लती उठा करके पाला मैया। बेटा, मुझे लाख जिल्लती उठा करके पाला, और मेरे रहते माँ तुम ना जंगल को जाओ। बेटा, माँ आज मैं लकड़ी काटने जाऊंगा जंगल माँ, और तुम मैं जाओगे? हाँ माँ, मैं कमा कर तुम्हें लाकर खिलाऊंगा। और मेरे लाल तू मेरी आंखों का तारा, मेरे लाल तू मेरी आंखों का तारा, मेरे जीने का बस तू ही एक सहारा। देख सब भूल जाती हूँ गम को, तुझे देख मैं भूल जाती हूँ गम को, मेरी बगिया का फूल तू प्यारा प्यारा। माँ बेटा, अब मैं लकड़ी काटने के जा रहा हूँ, और तुम सुनो कहो। तुझो मरी में चलो करिए आराम माँ, लकड़िया काटने की जरूरत नहीं, वो महानीच पापी शैतान है, अपनी माँ की जो करता ही हाजत लगी। जन्म साथ ले चाहे संसार में कोख
भी उद्धार हो। माँ बेटा चलो तू झोपड़ी में आराम करो और मैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा बेटा चलो चल काकी चल गए राम पर चल। श्री राम भैया हाँ देखो यार तुमने ठीक कहा कि जिसके बेटी बेटा जवान हो जाए उसकी माँ या उसके पिता लाकर कमाकर खिलाएं ऐसे बच्चों की जिंदगी में लाना चाहिए। बात सही है भैया बुढ़ापा माता ही तो हर अब तुम जवान हो गया अब अपने माई के सेवक आप स्वयं कीजिए भैया। हाँ ये देखिए हर पुत्र का स्वर्ग माता पिता के चरणों में है और क्या। अगर बेटे के रहती है माँ बाप को तकलीफ हुई तो बेटा कभी सुख की रोटी नहीं पा सकता है। कभी नहीं भैया हर सुख माता पिता के चरणों में है और क्या। तो चले अब लकड़ी काटने के लिए। अब चले लकड़ी काटे एक काम करा। हाँ चल रही जंगल में भैया पानी होने की व्यवस्था काज नहीं मिले ना मिले जंगल में। ठीक है जाते ही हम एक कमंडल लाओ तो कमंडल पानी ले रस्सी ले ले। हाँ। अब हम खूब बड़ा कुल्हड़ा ले चले सारे गाज पूरा जंगल का जंगल ही साफ कर दी। देखा ए जो संतु प्रधान नहीं है संतु भैया कांपा के प्रधान जी साहब। हाँ कांपा के। और इन्हें के बगिया खाली है उन्हें चला बगिया में काटा जाए लकड़ी है ना। और वो बड़े दयावान है समाज की सेवा बड़ी अच्छी करते हैं वहाँ पर बोलेंगे नहीं कुछ क्यों ना बोले भाई उनका मेहर भले बिगड़ गया। चलो फिर मना ले चले एक काम कर भैया जाते हैं कुल्हड़ा लावे रस्सी लावे तो और उसके बाद चले हो जंगल में लकड़ी काटे हुए दो लाइन को सुनावत रहा है सब सुनत रहा है हम लेके कुल्हड़ी अब पानी लेके हम आवत है बहुत जल्दी दो लाइन तक कुछ सुना दे भैया हम कुल्हड़ी पानी लेके आवत है। ठीक है देखिए आदरणीय महानुभाव दोस्तों आप लोग एक राष्ट्रीय पूर्वी पर ध्यान देंगे कि जब ऐसे ऐसे महापुरुष अपने देश में थे जिसके जरिए आज ये अपना देश आजाद हुआ। ध्यान दीजिए आप लोग एक राष्ट्रीय पूर्वी पे भैया सवा के करनवाना तन पे सहे कर
कष्ट बहु तेरे तन पे सहे कष्ट बहु तेरे तन पे सहे कष्ट बहु तेरे यही दसवा के करनवा श्री राम भैया लेके पानी होनी तो डालू पानी भले इतना बहुत है। अच्छा चला अभी लकड़ी काट के और शाम तक कुछ खाए के व्यवस्था करके तब लौटे हुए भैया ले चला चले चला लकड़ी काटे चला जमुरे लड़की को लेकर के मेरे सामने पेश करो। कलकत्ते काली मेरी बचन न जाए खाली कहो मेरी जान किस हालत में हो मेरी सखियां बताओ गई सब कहो मेरी सखियां दे जरा कर मेहरबानी हमारे मुल्क पहुंचा दे जरा मैं परेशान बहुत हूँ जिगर दरमिया मैं परेशान बहुत हूँ और ना करो से आंसू रवा न करो ना करो अपनी आंखों से आंसू रवा और चाहने वाला तुझको है लाया यहाँ श्याम नगर ये मुल्क है ज्वाला हमारा नाम है और जब से देखा है तुझे मेरा जीना हुआ हराम है और मौज कर साथ हिल मिल करूं मेरी जान परेशान करती है खुद परेशान हो रही है बात करना दूर से तू बड़ा शैतान है पूरा ना होगा कभी मुझसे तेरा अरमान है और शर्म आती जरा ना तुझे बदगुमान शर्म आती जरा ना का पिला वरना जादू मार कर दू खा
मिला, इसलिए बात को मान लो मेरी जान। रहने दे। करना महापाप है, निज रोक ले जोल अपना वही पे दब। तू जाहू डो डाल कर जादू सब कुछ करूं, पर मेरी जान ऐसा करूंगा नहीं। जब तलक अपने मुख से तू हाना कहे, साथ जबरन मैं तेरे करूंगा नहीं। जब तलक अपने मुख से चंदा, जब तलक तू अपने मुख से हाँ नहीं कहेगी, तब तलक मैं तेरे बदन को छूंगा नहीं। मान जा मेरी रानी। ज्वाला मुझको पहुंचा दे। कहाँ? मुझको पहुंचा दे मेरे मुल्क, तेरा भला होगा। नहीं तो एक दिन हक में तेरे मंजर बुरा होगा। क्या बुरा होगा? न कर भी होश, न कर भी होश, बात मेरी मान ले जालिम। न तू जा उस दिन याद कर जब मालिक के घर खड़ा होगा। मेरी चंदा, मेरी चंदा, तुझे मैं मजबूर कर दूंगा, तेरे इनकार को इकरार पे मजबूर कर दूंगा। हमेशा की तरह तुझे मैं बेहोश रखूंगा। अरे मेरी चंदा, तुझे मैं एक दिन चूर चूर कर दूंगा। नहीं मानोगी? अरे मान जा मेरी रानी। अरे तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के, तेरी राहों में। और तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम। कभी नहीं, नहीं मानोगी? मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय दे रहा हूं, अगर तू मेरा कहना नहीं मानती है तो मैं तुझे कंकड़ और पत्थर बना दूंगा। जमूरे ले चलो उसको, काल कोठरी में बंद कर दो। ठीक है गुरुजी। जब तक मेरा कहना नहीं मानेगी तब तक मैं इसको बंद कर, ठीक है? ठीक है गुरुजी। और एक हफ्ते का समय भी दे रहा हूँ। ठीक है गुरुजी। चलो जय गुरु की। चादे ज्वाला जादूगर, तूने राजकुमारी को चमन से उड़ा ले गया है अपनी जादू द्वारा।
लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। राजकुमारी को लेकर आऊंगा भरे दरबार में, तो वहां का मैं महाराजा बनाया जाऊंगा और महाराज के सर का ताज मेरे सर पे सुहाना होगा। चलता हूं, देखता हूं तुम कहां जाते हो भागकर। हरामजादे आकाश, इतना दूर निकला लेकिन अभी तक तुम मुझे दिखाई नहीं पड़ा। अगर जहां तुम दिखाई पड़ोगे वहीं पर तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। हरामजादे, तुमने चंदा पर नजर डाली है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चल रहा हूं आगे। क्या बताऊं, इस मुल्क में तो कहीं नहीं पता चल रही है कि किधर को लेकर गया। लेकिन हरामजादे, मैं खाली हाथ दरबार में नहीं जाऊंगा बगैर राजकुमारी को लिए हुए। मैं पूरे नगर में पता लगाऊंगा तुम कहां रहते हो और कहां जाते हो। और कदम रोक ले इस घड़ी और रुक जा तू आकाश। कदम रोक ले इस घड़ी और रुक जा तू आकाश, और जाने वाला है अभी तू भगवान के पास। हर बात हुई क्या इस तरह जो देखे तूरी तरह। उसको लाने को छोटू और बदन दे दिया, इसलिए मारूंगा मैं तुझे जान से। कभी ना दरबार में जब भी रखा गया कि उठाया नहीं बल्कि मर्दे जवान। चंदा से प्यार में भी हूं करता बहुत ही, लौट जाए अपने घर चाहे ता अपनी जान। चंदा का नाम करते दोबारा लिया चंदा। मजबूर में ढूंढ कर अपनी चंदा को लाएंगे हम, पहले तुझको करूं दुनिया से दूर मैं। एक कली पे जो दो भोरे मल्ला रहे, एक ही होगा सुर उसका हकदार है। तू भी दीवाना है मैं भी दीवाना हूं, फैसला या परेश का। आज तुझे मालूम हो जाएगा कि कितनी ताकत बादल में है और कितनी ताकत आकाश में है। हरामजादे आकाश, अब भी वक्त है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दिया तो चंदा को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां से तू रामखोर, बात का चूका मर्द, दाल का चूका बंदर, कभी काम हासिल नहीं होता। राम सादे, ये तो साला मर गया। ठीक है, मैं यहां से दफा हो जाऊं और चंदा को ढूंढकर दरबार में ले जाऊं, हाजिर हो जाऊं। जब दरबार में हाजिर हो जाएगी चंदा तो
तो चंदा के साथ मेरी शादी होगी। चंदा के साथ मेरी शादी होगी और यहां का महाराज मैं कहलाऊंगा। हराम को मर जाऊंगा। पानी पानी पानी। अरे भैया यार इसको चोट लग गई भैया, तुम जरूर लकड़ी तो कोई पानी पिला दो। श्रीराम भैया भाग लिया यहाँ से। क्यों यहाँ से भाग लिया? क्यों नहीं क्या देखे कहीं अन्न दूध मिला मारे ले भैया भाग ले पकड़ा जाए। श्रीराम हर इंसान का फर्ज है कि इंसान के काम आए। यार मुसीबत में जो काम आ जाए वही भगवान होता है। इस बेचारे को कौन मारा है हरी से? अरे तो बेहोत पड़ा है। अरे बाप रे पानी कोई श्रीराम जी मास्टर है तो इतना खराब आता है। अरे और मार दिया किसने इसे जंगल के दरमियान। मार दिया किसने इसे जंगल के दरमियान और दया न आई है उसे था जालिम शैतान। श्रीराम इस बेचारे को नक्की मार दिया। ऐसा करो कि थोड़ा पानी जो है ना पानी पानी आए हो सकता है कि पानी के छींटे मारा जाए होश आ जाए और पानी पिलाया जाए। हो सकता है कि जिंदगी बच ही जाए। जल्दी करा जल्दी करा भैया। थोड़े पिया ताजी चोटा थोड़े पिया फाट गया है। तुम लोग ये भगवान कौन हो भैया? हम लोग लकड़हारा है। ऐसा है कि श्री राम भैया ना मालूम कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनका नाम है, इनसे पूरा पता पूछने के बाद इनके माखन पहुंचा दिया जाए। हाँ भैया। और नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है मक्का, नाम क्या भाई। घर में माता परेशान होगी बहुत ही, दो बता तुझको पहुंचा दूं तेरे मक्का, दो बता तुझको पहुंचा दूं। ये बताइए कहां के रहने वाले हो, क्या तुम्हारा नाम है और किसने तुझे मारा इस जंगल में? बोलो 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 भैया। घर में माता पिता तुम्हारे परेशान होंगे, मेरे भाई बोलो मैं तुझको पहुंचा दूं। कहां के रहने वाले हो? दर्द गम से भरी है मेरी दास्तां, दर्द गम से भरी है।
से नहीं बोला जा रहा है। श्री राम भैया ऐसा करो, इनको अपने मैं मकान ले चलूंगा। हाँ भैया ले चलो। पहले सुनो, ये लकड़ी जो काटे हैं बेच करके इनकी दवा कराएंगे। मैं इनका दवाई कराऊं, है ना? मर जाऊंगा भैया। चलिए ले चलता तुझको अपने मकान, चलिए ले चलता तुझको। चिंता मत कर, तुमको मैं अपने मकान ले चलूंगा। वक्त मुश्किल में भाई सहारा दिया, वक्त मुश्किल में भाई। वक्त मुश्किल में भाई सहारा दिया, किस तरह आपकी मैं करूं शुक्रिया, किस तरह आपकी। तुम इनको संभालो और मैं लकड़ी ले लूं, चलकर बेचूं, जो जितने की बिकेगी। पहले देखिए इतनी चोट आ गई है, पर जो कुछ बेच के पैसा मिलेगा मैं इनकी दवा कराऊंगा। हां भैया पहले इनका दवाई कराओ। ले चलिए बलपन, आप राशन आज राशन ना ले हो। चलो भैया चलो चलो। हराम छादे आकाश, तुम्हारी कहानी खत्म कर दिया, लेकिन और मार दिया आकाश को जंगल के दरम्यान। मार दिया आकाश को और जंगल के दरम्यान, और जाऊं कहां अब ढूंढने ऐ चंदा दिल जान। चंदा तुम्हें मैं कहां ढूंढने जाऊं, यही मेरे समझ में नहीं आता। और लगाऊंगा पता उसका, ये मैंने दिल में ठाना है। लगाऊंगा पता उसका, ये मैंने दिल में ठाना है, और बिना उसके लगे मुझको ये सब सुना जमाना है। लगाऊंगा पता उसका मैं हर मुल्क में जाकर, और उसे हर हाल में ले साथ अब दरबार जाना है। चंदा तू जहां भी मिलेगी मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि तुमसे मेरा नतीजा निकलेगा। अगर तुम्हें मैं अपनी धर्म पत्नी ना बनाया तो मेरा नाम बादल सिंह नहीं। अगर तुम डाल डाल जाओगी तो मैं पत्ते पत्ते पर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पता मैं अवश्य लगाऊंगा। जब तक मैं तुझे पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जिंदगी जीने के लिए साथी मुझे एक चाहिए, जिंदगी जीने के लिए साथी मुझे एक चाहिए, और गर शबाब नहीं तो शराब ही चाहिए। मैं आ रहा हूं। भैया कैसा का लगा है?
380 रुपया दवाई की लगा है, 100 रुपया दे है ये भाई। देखिए जो कुछ होगा कमा कर मैं दे दूंगा, कम से कम इनकी जिंदगी बच गई, यही क्या कम है। हाँ भैया ये बताइए तो कहाँ रहने वाले हो, क्या तुम्हारा नाम है और तुझे कौन मारा और क्या दुश्मनी उससे थी? सब बताऊंगा भैया, आपसे नहीं बताऊंगा तो इस मुश्किल में सहारा दिए हो किससे बताने जाऊंगा। बोलिए मेरे भाई, मैं तुझको तुम्हारे घर पहुंचाया हूँ। चलो भैया, माता बचपन में गई खुद को स्वर्गी सिधार, माता बचपन में गई खुद को स्वर्ग सिधार, बाप जवानी मेरा है रतनपुरी, वहीं रहूं मैं भी। प्रारी उठा लेगा एक जादूगर बेपीर, पीड़ा उठा कर मैं चला हाथ मिले का मतलब है। रतनपुर में आपका घर है? भैया मैं महाराजा रतन सिंह के नगर का सेनापति, उनका बेटा, मेरा नाम आकाश है भैया। यानी रतनपुर के महाराजा रतन सिंह के दरबार के सेनापति के तुम लड़के हो? हाँ भैया। क्या नाम तुम्हारा? आकाश। मेरा नाम आकाश है। ये बताइए कौन तुझे मारा है, ये जो जंगल में पड़े बेहोश थे? भैया मारने वाला महाराज के ही दरबार का मंत्री, महाराज के दरबार का मंत्री, उनका बेटा, उनका नाम बादल सिंह है, मुझे मारने वाला वो शख्स है। ये बताइए कि तुम्हें क्यों मारा, कौन ऐसी तुम्हारी दुश्मनी थी जो तुझे इस तरीके से इतने बेदर्दी बेरहम से मारकर तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था? भैया ये बहुत लंबी कहानी है मेरे भाई, बहुत लंबी कहानी है। क्या कहा मेरे भाई? हाँ भैया। हम ये भगवान, आज तक मुझे भाई कहने वाला दुनिया में कोई नहीं था, ये मुझे भाई कह रहे हैं। भैया मैं बचपन में माँ के कोख से दो भाई जुड़वा पैदा हुए थे। यानी जुड़वा दो भाई पैदा थे? हाँ भैया। तो माँ अपनी गोद में लेकर दोनों भाइयों को सो रही थी, ना जाने कहाँ मेरा बड़ा भाई लापता हो गया माँ की गोद से। कहाँ लापता हो गया? कोई पता नहीं भैया, जाने कौन उठा ले गया, जाने कौन जानवर खा डाला, कोई पता नहीं चली भैया। यानी कितने, जब तुम्हारा भाई गायब हुआ कितना बड़ा था? भैया माँ के गोद में बिल्कुल छोटे छोटे थे। अच्छा छोटे छोटे दोनों भाई थे तुम? हाँ भैया। तो तुम्हारा बड़ा भाई गायब हो गया, ना जानी कोई हो गया, कोई जानवर उठा ले गया, कोई उठा ले, पता नहीं लगा, कोई पता नहीं चली भैया। अरे बाप रे। और माँ उसी बड़े भाई की याद में तड़प तड़प के अपनी जान खो डाली भैया, जान खो। श्री राम, बड़ी गम की कहानी यार, इनका एक भाई गुम हो गया और उस बच्चे की याद में माँ तड़प तड़प करके भगवान को प्यारी हो गई। बड़ी तुम्हारी माँ जब मर गई? भैया माँ मर गई, रह गए पिताजी। पिताजी महाराज के दरबार में रहते ही थे और वहीं पर मेला पालन पोषण हुआ भैया। यदि दरबार में ही तुम्हारा पालन पोषण हुआ? हाँ भैया, जब मैं सयाना हुआ कॉलेज में जाके पढ़ाई करने लगा, मैं कॉलेज गया था भैया, लौट कर आया, वापस लौट कर तो देखा पिताजी की लाश पड़ी हुई थी, पिताजी तड़प रहे थे। यानी तुम्हारी माँ बच्चे की याद में मर गई और तुम्हारे पिताजी? हाँ भैया, पिताजी को
पिताजी मरते समय यही बताए कि बेटा आकाश मुझे मारने वाला मेरा जिगरी दोस्त है, वही मुझे खंजर से मार दिया। यानी माँ तुम्हारे बच्चे की याद में मर गई और तुम्हारे पिता को तुम्हारे पिता के दोस्त ने मार डाला। हाँ भैया। और बहन वगैरह भाई वगैरह और कोई नहीं? नहीं है उसी भाई किसी बाप मेरा जान में कोई नहीं है, वो भी जाने कहाँ गुम हो गया। भैया रह गए हम दरबार में रहते रहे। उसके बाद भैया एक दिन की बात है, राजकुमारी चंदा अपने चमन में गई थी घूमने के लिए। चंदा कौन है? महाराजा की बेटी राजकुमारी चंदा। अच्छा, यानी महाराजा रतन सिंह की लड़की चंदा। हाँ भैया, गई थी चमन में सैर करने के लिए। उस चमन में ज्वाला नाम का जादूगर आया और अपने जादू द्वारा उन्हें उठा ले गया। क्या कहा, राजकुमारी को उड़ा ले गया? हाँ भैया, राजकुमारी को उड़ा ले गया। महाराज बहुत परेशान हुए लेकिन कोई पता नहीं चली। महाराज परेशान होकर दरबार में पीड़ा रखवाए कि जो कोई राजकुमारी चंदा को ढूंढ कर ले आएगा वो इस राज का मालिक बनाया जाएगा और राजकुमारी चंदा की शादी उसके साथ में की जाएगी। अच्छा, जब राजकुमारी गुम हो गई तो महाराज ने बीड़ा रखे कि जो राजकुमारी को खोज कर लाएगा इस नगर का वो महाराज कहलाया जाएगा। जी हाँ भैया। और उसी लड़की की शादी उसके साथ होगी जो राजकुमारी खोज कर लाएगा। हाँ भैया। भैया मैं भी सोचा कि अपना मुकद्दर आजमाऊं, हो सकता है जीवन साथी कोई मेरा हो ही जाए। महाराज के दरबार में पले और तुमने सोचा कि अब दुनिया में कोई नहीं है तो तुमने बीड़ा उठाई कि मैं राजकुमारी खोज कर लाऊंगा। हाँ भैया, इसलिए कि मैं महाराज का नमक खाया हूँ भैया। भैया वो बीड़ा भरे दरबार में एक से एक बीड़ा आए थे। महाराज के दरबार में वो बादल सिंह भी हरामजादा पहुंचा था लेकिन वो बीड़ा उसके उठाने के पहले वो बीड़ा मैंने उठा लिया भैया कि राजकुमारी चंदा को ढूंढ कर मैं ले आऊंगा। भैया वो बीड़ा उठा कर ले मैं चला और रास्ते में मुझे जंगल में अकेले पाया। उसने मुझे खंजर से मारकर वहीं पर छोड़ दिया भैया। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा मैं समझ गया श्री राम, यानी एक कली पे दो भावरे। यानी चंदा को ये भी सोचे कि मैं खोज कर लाऊं मेरे साथ शादी हो जाए और बादल भी उसे चाहता था। हाँ भैया, तो इसका मतलब सोचे कि अगर आकाश लाएगा तो शादी इसके साथ हो जाएगी, इसलिए इनको रास्ते में ही मार कर छोड़ दिया। लेकिन भैया मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं है, मैं महाराज का नमक खाया, उनके दरबार में मैं पला हूँ भैया। तो महाराज का तो कहना है कि जो राजकुमारी खोज कर लाएगा उसी के साथ शादी करेंगे। हाँ भैया, उनका कहना तो ये है भैया। तो तुमने अपना मुकद्दर अजमाने के लिए सोचा कि हो सकता है राजकुमारी को मैं खोज लाऊं। हाँ यार, बड़ी गंभीर कहानी है, इनका दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं यार। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ये भैया कहा था हमारा कलेजा फाड़ जाता है। हकीकत में मैंने पहले कह दिया कि आज तक मुझे भाई कहने वाला कोई नहीं, जब मुझे भाई कहते हैं तो यार दिल मेरा ऐसा खून उबलता है कि जैसा अपना खून अपने को पुकार रहा हो। यार बड़ी मुसीबत के मारे हैं यार। यानी उस राजकुमारी के लिए इनकी जिंदगी आज तो खत्म हो गई होती। हाँ भैया, तो देखा जाता नहीं दुख दर्द ये भाई जान, अपने दिल को न भाई निराशा करो, देंगे भगवान एक दिन ये चंदा मिला भाई, मालिक के ऊपर भरोसा करो। भैया अगर तुम्हें सच्चा प्यार है उसके लिए अपनी जिंदगी तुमने इस तरीके से खो डाली, हो सकता है भगवान ने चाहा तो चंदा तुम्हारी मिल जाएगी। भैया तो मुझको भाई कहा, आप भाई मेरे, आपने ही बचाई मेरी जिंदगी, हर दो बच्चन चंदा को ढूंढ लाओगे तुम। हाँ भैया, भैया दो बच्चन चंदा को ढूंढ लाओगे तुम, रात दिन आपकी मैं करूं बंदगी। भैया अगर मुझे भाई कह रहे हो तो तुम मुझसे वादा करो कि राजकुमारी चंदा को ढूंढ कर ले आओगे तुम। श्री राम ये बिना कहा रहे कि भाग चला इनका छोड़ के। अच्छा तो बगवाल अपने देख पाले हम हो, इनके दर्द दवाई करे ठीक हो गया, कहा था अब चंदा का तू ढूंढ के ले आवा। बताओ इनका जिंदगी बचाए, इनका मेहर ले आएगी हेर के हम दे। चलो हम तो उन्हें जैसे इनके 21 टाका लगावा, मैं तोरे 42 टाका लागे। भैया हो
अब तू अच्छा हो गए हैं, अपने घर जाओ। जा भा, हाथ जोड़ते ही लौट जा भा तू। ठीक है। हम कहा तुम्हारा अंदर चंदा है रे, हमका कहा मिले, हमका ये आप एक दरबार के रहने वाले, हम एक रकड़हारा जंगल के रहने वाले, हमके कौन मालूम कि कहाँ चंदा है कहाँ नहीं। कोई बात नहीं है, इस जहाँ में जीना तो है ही नहीं है, इसलिए कि महाराज का ये आदेश है कि जो राजकुमारी चंदा को ढूंढ कर ले आएगा, इस राज का मालिक बनाया जाएगा, अगर वो खाली हाथ लौटा तो फांसी की सजा दी दी जाएगी। कोई बात नहीं है, जो खाली हाथ मुझे जाना है तो यही क्यों ना अपनी जान मैं दे दूंगा। अरे यार मर जाइए यार, मर जाइए भाई, चला हेर के अलावा चाहे मार्टिन करें इनका खातिर। अच्छा यार तो बगवाल पर, लेकिन एक बात है यार कि जब ये भाई कहते हैं कि भैया मैं मर जाऊंगा तो क्या बताऊं, ना मालूम कैसे मेरा दिल या खून उबलने लगता है यार। लव भाई यार लव भाई, बताओ श्रीराम क्या किया जाए भैया। बनका जिंदगी बचाए यार, कुछ उपाय करा भाई, चल अब कतो हेरा जाए उपा कर। देखिए अगर ये बात है मुझे भाई कहे हैं तो भाई का फर्ज मैं निभाऊंगा जिस तरीके से होगा। देखिए दाहिनी भुजा भाई होते हैं, सुख दुख में भाई 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 होता है। अगर तुमने मुझे भाई कहा है तो भाई का फर्ज मैं निभाऊंगा, अपनी जान मत गवाओ दोस्त। मैं कुछ कहना चाहता हूँ भैया। क्या कहना चाहते तू करे समरियान, तू अपना दिल दरमिया ढूंढ कर तेरी चंदा को लाऊंगा मैं, चंदा जिस मुल्क में हो तुम्हारी मैंने जिंदगी बचाई है तो चाहे जहां भी चंदा मिलेगी चंदा को खोज कर मैं लाऊंगा भैया। लेकिन ये बताइए कि अगर मुझे चंदा मिल ही गई तो मेरे साथ कैसे आएगी, कैसे मुझे पहचानेगी कि मेरे नगर के रहने वाले हैं। भैया पहचान तो मैं बताऊंगा कि राजकुमारी चंदा आपको कैसे पहचान जाएगी। बोलिए। लाओ अंगूठी, महाराज ने है दिया, देखते ले इसे चंदा पहचान है, आपकी राह देखूंगा मैं भाई जान, मेरे इस जिस्म की चंदा ही जान है। भैया यानी ये अंगूठी अगर राजकुमारी चंदा देख लेगी तो पहचान जाएगी, हमारे साथ आएगी। हाँ भैया, राजकुमार ये महाराज की दी हुई अमानत, राजकुमारी देखेंगी तो तुरंत ही पहचान जाएंगी कि ये महाराज की अंगूठी है। जी हाँ भैया, और महाराज की दी हुई ये अमानत तलवार। ठीक है श्रीराम, एक लौटा काहे को कुल्हरिया बहुत ही है, इसको तुम रखिएगा, इसको मैं रखूंगा, कभो चलाए तो नहीं ना राजू, तुम चिंता मत करो बताऊंगा मैं। चला ठीक है। अरे लकड़ी चीरे ही तो मना के चीरे कितनी देर लगे। बात सही कहा था। देखा पहले देखिए श्रीराम भैया, कहीं जाना चाहिए तो पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। और क्या, तो चंदा की खोज के लिए मैं चला हूँ तो पहले माँ का अपने आशीर्वाद दूँ। पहले बुलाओ माई, कहाँ है तू? अरे काकी, काकी जल्दी आओ। बेटा ये कौन है? माँ ये रतनपुर के महाराजा रतन सिंह के दरबार के सेनापति के लड़के हैं, इनका नाम आकाश है। आकाश? हाँ। उनकर माई है, हमार काकी है। माँ? हाँ। बेटा? माँ? पूछ रहा हूँ मेरी लाल, ये तेरे चोट कैसे आई बेटा? ये कहानी मैं बताऊंगा माँ। माँ आज मैं मर गया होता, माँ भैया न मिले होते तो। माँ बेटा, महाराजा के केवल एक लड़की जिसका नाम चंदा, और वो चमन में सैर करने गई थी माँ। अच्छा। कोई जादूगर उसे उठा ले गया, महाराज ने बीड़ा रखे कि जो राजकुमारी को खोज कर लाएगा उसी के साथ में राजकुमारी की शादी होगी और इस रतनपुर का वो महाराज कहलाएगा। तो माँ ये सेनापति के लड़के हैं, ये अपनी माँ की कोख से जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे माँ। जुड़वा? हाँ। ये बता रहे हैं कि भैया मेरी माँ बच्चों को लेकर सो रही थी और मेरा भाई गुम हो गया, इनके पिता को पिता के दोस्त ने मार डाला, इनकी दुनिया में कोई नहीं है माँ सहारा देने वाला, तो ये बीड़ा उठा करके जा रहे थे राजकुमारी खोज के लिए, तो मंत्री का लड़का जिसका नाम बादल सिंह है। हाँ। वो भी उस लड़की को चाहता था माँ। अच्छा। सोचे कि अगर ये राजकुमारी खोद कर लाएंगे तो यहाँ के महाराज कहलाएंगे, इसलिए इनका काम तमाम कर दिया जाए और राजकुमारी को मैं खोद कर लाऊं, ये सोच कर इनको जंगल में मार कर छोड़ दिया था माँ। और चोट आ गई है।
माँ मैंने जो लकड़ी पाया था काट करके ले जाकर के उसे बेच करके दवा कराया माँ, अभी ठीक हो गए हैं। और ये मुझे भैया कहते हैं तो मेरा दिल पिघल जाता है माँ, इसलिए भाई का फर्ज निभाने के लिए मैं राजकुमारी खोजने के लिए जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ माँ। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम जाओगे? जैसे आपकी आज्ञा हो माँ। दे रही तुझको ये आशीष मैं, जिंदगी में तेरे सुख का भंडार हो, कामना सब ललन तेरी पूरी हो अब, तेरी अकीर्तियां पहले संसार। जाओ बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है, भगवान करे तेरी हर मनोकामना पूरी हो मेरे लाल। आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। माँ आकाश खुले चलो, देखिए माँ कितना सुंदर नाम इनका है। तेरा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम आकाश है। तेरा नाम आकाश? हाँ, मेरे बेटे का नाम सूरज है। और माँ नाम है भैया क्या? श्री राम महाराज के लड़के का नाम चंदा और इनको मारने वाला बादल, इनका नाम आकाश, आपका नाम सूरज, सब ऊपर दहाई वाले हैं। हम नीचे राम, हमारे नाम पृथ्वी पर रखा जाए। श्री राम देखिए चलो, अब जिस तरीके से मिले चंदा को खोज कर लाएं। माँ भूख लगी है माँ। चलो बेटा चल, इनका लिया चलो, रोटी खा ले। चलो लिया चल काकी, अब गजब बउआ सारे का मोल ले ली नहीं यार। क्या किया जाए अब? चलो सतुआ पिसान बांधा जाए भाई। देखिए अगर ऐसे चलूंगा तो चंदा का पता नहीं लगेगा। नहीं भैया, पहले अपना भेद बनाना चाहिए। कौन भेद बना हुआ? चलिए देखिए किस रूप में चलूं कि चंदा मिल जाए। हाँ नहीं भैया, खोजे हो तो मारो जाए हो। हाँ भेष बदल के चला जाओ, पहचान न पाओ हमका तो का। चले अब बहुरिया बन जाओ जा। चलिए चलाओ चलिए। अरे जा मदीना नगरी, जा मदीना नगरी, चुदरी छापा रंगर जवा, जा मदीना नगरी, चुदरी छापा रंगर जवा, जा मदीना। अभी तक आकाश का कोई पता महाराज हो। मंत्री जी अभी तक आकाश का कोई पता नहीं चला, आकाश चंदा बेटी को लेकर अभी तक वापस नहीं आया। महाराज धीरे धरिए, आकाश चंदा को लेकर अवश्य आएगा। कैसे धैर्य हो, चंदा बेटी के बिना मुझे कैसे धैर्य होगा महाराज? मुझे नाज है उसकी हिम्मत और ताकत पर, राजकुमारी को लेकर आएगा वो। रात को नींद आती नहीं मंत्री और चंदा की याद आती है आंखों पर, चंदा की याद, चंदा के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ मंत्रीवर। महाराज सारी रियासत में है, दुख महाराज सारी रियासत में है। अरे नाज आकाश की मुझको ताकत पर है, महाराज मुझे आकाश की हिम्मत और ताकत पर नाज है कि चंदा को लेकर आएगा। महाराज धीरे धरिए राजन। और घूमने घर चमन चंदा जाती नहीं, घूमने घूमने घर चमन चंदा जाती नहीं, ये मुसीबत मेरे सर पे आती नहीं, ये मुसीबत। महाराज अरे होनी हो के रहे नहीं टाले टाले,
ताले चले, अरे लाख करिए यतन करके इंसान करे। महाराज होनी तो होके रही, अनहोनी ना हो, और जाको राखे सानिया मार सके ना हो। तो मंत्री जी दिल हमारा ये घबरा रहा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बताऊं समर सिंह को भगवान घर, मांगता मौत हूं फिर भी आती नहीं, क्या बताऊंगा। दुख महाराज इतना उठाओ नहीं, करू बिनती मेरी बात तुलो मान है, चंदा को ढूंढ आकाश ले आएगा, करिए आराम महलों के दरमियान है, आकर हम पीछे बुलाएगा। महाराज मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, चलिए आराम कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि चंदा को लेकर आकाश ढूंढ कर लाएगा। मंत्री जी गरे हफ्ते के अंदर आकाश राजकुमारी चंदा को लेकर वापस नहीं आता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। चंदा बेटी के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ मंत्रीवर, चंदा बेटी के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। धीरे धरिए राजन, धीरे धरिए मंत्री जी। चलिए जरा पागल होई गना मंत्रीवर। महाराज जियरा पागल होई गना, चंदा बेटी के करनवा जियरा पागल होई गना, चंदा बेटी के करनवा। महाराज चलिए आप। चंदा चंदा बेटी कहाँ होगी, तुम किस हाल में होगी? चंदा बेटी किस हाल में होगी? हराम चादा, चंदा बेटी के करनवा जरा पागल हो गया ना। महाराज जिस पर तुम्हें नाज है आकाश के ऊपर, आकाश तो दुनिया से चला गया, चंदा की शादी होगी बादल के साथ, और यहां का महाराज मेरा बेटा पाता सिंह होगा, महाराज रतन सिंह के सर का ताज बादल सिंह के सर पर सुहाना होगा, हुकूमत की बागडोर बादल सिंह के हाथ होगी। अगर ऐसा करके ना दिखाया तो मंत्री कुछ नहीं किया, वक्त का इंतजार कीजिए, बात पे बात सारी बताऊंगा अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा मंत्री का ऐलान। शाला नारायण नाही आए नाही आए। रामजीदास महाराज देखिए, अगर और किसी दूसरे भेद में चलते तो चंदा का पता न लगता ना। अब हम तुम्हें के महात्मा हो गए हैं, साधु के रूप में हो गए हैं। अब दुनिया साधु हो गए, साधु नहीं तो रिश्तेदार हो गया। अदब साधु है, महात्मा है, महात्मा है। देखिए रामजीदास गुरु महाराज, अब जहाँ कहीं चलेंगे सभी कहेंगे बाबा आज मेरे यहाँ प्रस्थान करिए, आज मेरे यहाँ भोजन करिए, और अगर दूसरे भेद में रहते तो कहते हैं चोर बदमाश गुंडा है हटाओ इनको। और क्या, तो अब चंदा जैसे होगी मिल जाएगी। हाँ महाराज, लेकिन स्नान भोजन किए? बस नहाए नहाए कपड़ा पहने, बस खा के चला आवत है। स्नान हो गया तुम्हारा? स्नान हो गया। और क्या पहन कर आया? अरे तू ये औरतों का पेटी कोट पहन के चल रहा तुम? अरे गुरु महाराज अचला क्या हो गया? अरे गुरु महाराज गड़बड़ हो गया, वही नारो पर नहात रहे जहाँ वही चार पांच ही मेहरगो नहाई ला दिन, संतु भैया पर जो प्रधान है उनका मेहरगो वही नहाई ला नहा दे। अच्छा वो लाल लाल हमारा अचरा लेके चली गई, हम उनका साया लेके चला बोते। तो अब बताओ जो देखेंगे लोग क्या कहेंगे, तो इसको छुपाने के लिए हम एक एक बात बताना बनाना पड़ेगा। क्या? यही कहूंगा कि ये मेरे, अगर कोई कहेंगे बाबा तुम्हारा चेला कैसे है, तो मैं यही कह दूंगा कि ये पागल है।
पागल ही और क्या, तब तो हम तो सतोई आप जात हुआ अपन के क्यों कहो इतना सीधा सुभाव का मनाई है, तू हमको पागल कहते हो? नहीं समझ रहे हो, अगर कहें ये कहूंगा कि मेरा असनी और मेरा कमंडल मुझे स्नान करवाता ये मेरी सेवा के लिए है। अच्छा अच्छा, अपना काम बनाने के लिए मैं तुझे पागल कहूंगा। हाँ ना, यहाँ पागल कहा कमंडल समंडल भाग भाग लिए। राम विदास तुम कौन जात हो? गलेरिया ही पाल, राज्यपाल। राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है तू, देखो कहेंगे पाल हो। हाँ पाल ही। राम विदास देखिए, अगर किसी ने कहा बाबा आज मेरे यहाँ रुकिए भोजन करिए और रुक गए दोनों, तो किसी ने कहा बाबा कोई भजन चौपाई निर्गुण जानते हो है? तो कुछ सीखो, तुम्हें कुछ याद है? भाई सीखे लेकिन वो हमारे बनाई आओ, लेकिन वो इसमें नहीं आना चाहिए। हाँ ये तो बात है, छोड़ो उसको है? ऐसा है कि मैं तुमसे प्रश्न करूंगा। अच्छा, और तुमको उत्तर देना होगा। न उत्तर दे पाए तो अपना दंड कमंडल लेकर वापस चले जाना। अब शब्द बोलोगे तो किसी ने पहचान लिया तो फिर मिलेगी नहीं चंदा। चलो ठीक है यार। यार नहीं, गुरु महाराज, गुरु महाराज। नदी किनारे तीन पेड़ कटहर महुआ आम, तीन देव मिल रक्षा करी है सीता लक्ष्मण राम। शाबाश रामजीदास, हम भगवान का नाम लेंगे। और क्या, सुनो रामजीदास। गुरु महाराज की तुलसी जग में आई के तीन काम कर ले, अकलिया मछरी खाई के डेढ़ पाव पी ले। अरे हम संत हैं, कच्छ मच का नाम लोगे? अरे हाँ हो, जनते ना रहे कि हम तू लंट है। अरे तुमने तो दोहा मेरा भ्रष्ट कर दिया है। सुनो अब चौपाई में। अच्छा, राम राम कहु बारम बारा, अब भाई सनी करी गई बिना केवाड़ा, दीन दयाल बिरद संभारी, बाबा हलू का बाबाई न भारी। क्या कहो, सीता राम कहा कर जोरे, सीधा ले बखा बना तोरे। अब ही की बना यार बाबा, यार बाबा, गुरु बाबा, गुरु महाराज।